हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो CISE की एक पॉलिसी है उसका नाम है मॉडरेशन पॉलिसी। तो गाइस, आपको मैं आज इसी पॉलिसी पे बताऊँगा कि ये पॉलिसी होती क्या है। पहली बात, आपके मन में अब एक सवाल जग रहा होगा कि ये पॉलिसी भैया है क्या जो आपने नाम लिया है अभी मॉडरेशन पॉलिसी का। अब मैंने आपका थंबनेल देखा था, लेकिन क्या उसके बारे में कुछ अच्छा होगा? क्या हमारे इस पॉलिसी की वजह से मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं? तो गाइस, मैं इसी पे लेके आज आपको बताता हूँ कि ये मॉडरेशन पॉलिसी है क्या। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, ये मॉडरेशन पॉलिसी ये CISE ने स्टार्ट करी थी ये CISE ने स्टार्ट करी थी 2017 में। ये मॉडरेशन पॉलिसी ये ICSE और ISC बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, जैसे कि अगर आपकी परसेंटेज स्कूल में 60 से 85% के बीच में मार्क्स आते हैं या परसेंटेज आती है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। क्यों गाइस? क्योंकि अगर देखिए, अगर आपकी परसेंटेज या मार्क्स 89 88 आ रही है, तो गाइस वो ICSE मॉडरेट करके थोड़े बहुत बढ़ा के 90 तक कर देगा, ओवरऑल 90 तक, जिसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपकी परसेंटेज में भी असर पड़ता है। तो गाइस, अगर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट्स में 78, ऑलमोस्ट 78, 75 से 78 के बीच में आ रहे हैं, तो ICSE क्या करेगा कि आपके मार्क्स हैं इस मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके 80 तक कर देगा, जिसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर आप ले आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं कंप्यूटर में 80 से 89 या 85, कुछ मार्क्स आ रहे हैं 85 89, तो ICSE इस मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से क्या करेगा गाइस कि जो आपके मार्क्स हैं वो ओवरऑल 90 कर देगा, ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी हो जाए और आपके जो मार्क्स ओवरऑल कैलकुलेट करके परसेंटेज आए, तो आपकी थोड़ी अच्छे से परसेंटेज आए। इसलिए वो क्या करते हैं, मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके 85 से 89 के बीच में मार्क्स आते हैं कंप्यूटर में या किसी में भी आते हैं, तो वो क्या करेगा, मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से उसे 90 तक कर देगा। और गाइज, आप ये जरूरी नहीं है कि 60 से 85% या मार्क्स वालों के लिए, बच्चों के लिए जिनके स्कूल में 60 से 85% आ रहे थे, उन्हीं के लिए पॉलिसी अच्छी है। लेकिन गाइज, या जो बच्चे की परसेंटेज 90s में आ रही है, उनके लिए भी ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। क्योंकि गाइज, अगर आपके 90 में मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप 90 में मार्क्स आ रहे हैं, तो ICSE क्या करेगा, आपके ओवरऑल मॉडिफाइड करके मार्क्स मॉडरेट करके 94 95 तक कर देगा। तो गाइस देखिए कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है आपके मार्क्स में, कहाँ 90 और कहाँ 94, बिल्कुल 4 मार्क्स का फर्क आ रहा है। तो इस मॉडरेशन पॉलिसी का कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो गाइस, ये मॉडरेशन पॉलिसी के थोड़े कुछ फ़ायदे थे और ये पहला पॉइंट था गाइस। अगर आपके मार्क्स कम है तो वो मॉडरेट होकर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि गाइस, थोड़ा बहुत बच्चों को पता नहीं है कि मॉडरेशन पॉलिसी होती नहीं क्या होती है, और बहुत लोग इस पर बनाते नहीं है पॉलिसी पे, क्योंकि ये आती है, कुछ लोग इस पर बताते नहीं है वीडियो, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ही पता चले मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है। तो गाइस, थर्ड पॉइंट ये था कि अगर जैसे आप कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड में रॉन्ग आ जाता है, जैसे आपने ICSE का कोई पेपर दे रहे हैं, ISC क्लास 12th में आपको कोई पेपर दे रहे हैं बोर्ड का, उसमें कोई आपका क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है, या आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें थोड़े बहुत पॉइंट लिखे आते हैं, जो थोड़े बहुत पॉइंट लिखे आते हैं जो सही है, थोड़े गलत भी हो सकते हैं, तो अगर आपके सही होते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपने फॉर्मूला वगैरह भी लिखा है, तो आपको इस मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से थोड़े बहुत मार्क्स जरूर मिलेंगे उस क्वेश्चन में। आपके ये नहीं कि पूरा कट हो जाएगा कि आंसर नहीं आया आपके क्वेश्चन का, लेकिन आपको अगर अपने पॉइंट हैं उसमें थोड़े बहुत आंसर नहीं आए, चाहे आंसर गलत आए, लेकिन अगर आपके उसमें पॉइंट हैं तो आपको उसमें मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन ICSE की तरफ से बोर्ड में पेपर में अगर कोई गलत आ जाता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत, तो क्या होता है, अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस, इसे हम सब लोग कहते हैं, सारे टीचर्स वगैरह कहते हैं कि कभी भी क्वेश्चन आपने जो भी अटेम्प्ट किया है, अगर नहीं आता, चाहे बाय चांस चाहे कितने भी मार्क्स का हो, 4 या 3 मार्क्स का हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो कभी भी उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर लिख के आना चाहिए, कुछ भी, चाहे उसके फॉर्मूले लिखा हो, कुछ पॉइंट्स लिखा हो ऐसी, लेकिन कभी भी जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए, कभी ब्लैंक शीट नहीं छोड़ के आनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो उस क्वेश्चन में लिख के आना चाहिए। क्योंकि अगर गाइड, मैं इसी पॉइंट पर बता रहा हूँ कि अगर वो क्वेश्चन ICSE की तरफ से गलत होता है, रॉन्ग होता है, तो क्या होगा, जो भी जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये गाइस इसलिए था कि अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है, लेकिन ICSE कह रहा है कि वो रॉन्ग प्रिंट हो गया था, तो आपको फिर मार्क्स कहाँ मिलेंगे। लेकिन आपने अटैम्प्ट भी किया है, लेकिन आपने कुछ आंसर वंसर नहीं किया, ना आपने कुछ मेंशन किया है, तो आपको उसमें कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए सब कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे खाली मत छोड़ के आइए, कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट जरूर लिख के आइए।
तो गाइज यही थी मॉडरेशन पॉलिसी जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि मॉडरेशन पॉलिसी है क्या और उन्हें भी थोड़ी खुशी हो कि क्या उनके मार्क्स बनने के चांसेस हैं, तो ताकि उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाए कि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे बोर्ड में। गाइज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।